हेलो एवरीवन, आज हम एक ऑयल तैयार करने वाले हैं जो कि हेयर्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैंने ये ट्राई किया था तो सोचा आप लोगों को भी बता दूं। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगी कुछ कड़ी लीव्स, यानी कि कड़ी पत्ता चाहिए होगा। ये आप कुछ 15-20 पत्तियां ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए गुड़हल के फूल, यानी कि हिबिस्कस फ्लावर्स। ये कुछ आपको 4-5 गुड़हल के फूल लेने हैं इसके लिए। फिर हम लेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पैराशूट ब्रांड का ऑयल था तो मैंने ये ले लिया। उसके बाद आप एक कढ़ाई लेंगे और उसको गैस पे रखेंगे। गैस की आंच बिल्कुल स्लो रखेंगे। फिर हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल की क्वांटिटी आप उतनी रखें जितनी आपको ज़रूरत हो। आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं क्योंकि इस ऑयल को हम स्टोर करके भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इस तेल में हम 4-5 जो हमने गुड़हल के फूल लिए थे वो डालेंगे, और जो हमने 15-20 पत्तियाँ कड़ी लीव्स की ली थी, यानी कि कड़ी पत्ता की ली थी, वो इसमें डाल देंगे। और इसको धीमी आंच पे पकाएंगे, और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि गुड़हल के फूलों का और कड़ी पत्ता का एक्सट्रैक्ट ना निकल जाए। फिर उसके बाद हम इसको ठंडा करके छान के किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें आप कोई भी एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे पास ये था तो मैंने इसकी कुछ ड्रॉप्स अपने ऑयल में डाल ली ताकि ये बहुत अच्छी खुशबू दे। और लेवेंडर ऑयल हेयर के स्काल्प के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो आइए देखते हैं कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम अपने बालों को कॉम कर लेंगे, अच्छे से सुलझा लेंगे इनको ताकि टूटे ना ज़्यादा। फिर उसके बाद हम अपनी फिंगर टिप पे ये ऑयल लेके और बालों की बिल्कुल जड़ों में इसकी मसाज करेंगे ताकि जो हमारा स्कैल्प है वो ऑयल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद आप इसको छोड़ भी सकते हैं और आप इसको इसके 1 घंटा बाद अपने हेयर को वॉश भी कर सकते हैं।